धोतड़ गांव का बच्चा शुभम घर से निकलता है स्कूटी लेके, लेकिन उसके बाद आज 24 घंटे बतीत हो चुके हैं, बच्चे का कुछ भी अता पता नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से परिजन बता रहे हैं कि ओ टू हेड के बाद तुषार हॉस्पिटल के बाद बच्चे को देखा गया है, बच्चा स्कूटी पे है, काले रंग की बच्चे के पास स्कूटी है। तो स्क्रीन पे स्कूटी का हम नंबर भी दे रहे हैं कि इस नंबर की स्कूटी है। सिरसा में, सिरसा के आसपास गांव में कोई भी इस बच्चे को देखे तो परिवार का नंबर भी नीचे स्क्रीन पे दे रहे हैं, परिवार के साथ कॉन्टैक्ट करें। और सभी पेट्रोल पंप वाले जो भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे भी अनुरोध है कि अगर इस नंबर की स्कूटी में कोई पेट्रोल डलवाने आता है तो परिवार से संपर्क करें। 24 घंटे से जो बच्चा गायब है, जो परिवार है वो रो रहा है बच्चों के, बच्चे के लिए, और भी इस बच्चे के बारे में कोई जानकारी मिले तो इस नंबर पे, जो नंबर नीचे स्क्रीन पे चल रहा है उस नंबर पे कॉल करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरसिंह है जी, जोथड़ गांव का निवासी हूँ। हाँ जी, मेरा बेटा कल सुबह 7 बजे, शुभम नाम है, स्कूटी लेके कोई खेलने के लिए या थोड़ी चलाने के लिए सीखने के लिए घर से निकला है, तो बता के नहीं गया है, उसके बाद अब तक आया नहीं है। बहुत परेशान है जी, हेल्प करिए जी, सब मिलके बहुत परेशान है जी। कोई बच्चे जाने के बाद आपके पास कोई फ़ोन आया हो? और कोई फ़ोन? पैसे वगैरह कितने थे? पैसे वगैरह कुछ नहीं है जी उसके पास, थोड़ा बहुत स्कूटी जो मेरी लेके गई, अपने घर की स्कूटी लेके गई, उसमें 100-150 का कम से कम तेल होगा जी, 20-30 किलोमीटर चलेगी, उसके बाद तो वो बंद होगी होगी कहीं है, पता नहीं कहाँ पे होगा मेरा बच्चा। और उसके बाद बच्चे को कहीं देखा गया? मेरा बच्चा कल सुबह से गायब है, सारी रात हो गई, सारा दिन हो गया। कोई फोन नहीं है किसी का। बच्चे को देखा गया भाई साहब कहीं पे? घर पे कोई झगड़ा नहीं हुआ जी बच्चे के साथ, ये समझ ले भी कोई बच्चे को अगर पीटा है, लड़ाई करी है, ऐसा कुछ नहीं है जी। कोई हम 10 बजे तक लूडो गेम खेल के बाप बेटे अच्छी तरह खा पी के सोए हैं, सुबह स्कूल के लिए तैयार हो रहा था, अब उसके बाद पता नहीं क्या उसके दिमाग में आई, ये एकदम निकल गया। ठीक है, बच्चे को कहीं देखा गया? बच्चे को जो कि अपने ओट्टू गांव में कह रहे हैं 7:30 बजे लगभग रुका था, अकेला था, उसके बाद जो रास्ते में नानकपुर रोड से चकराइया गांव आता है उसमें लगभग 7:30 बजे लगभग उधर क्रॉस किया, उसके साथ कोई एक व्यक्ति चढ़ा था, अनजान व्यक्ति था, वो भी रानिया चुंगी पे आके उससे उतर गया, और जो कि 7:48 पर रानिया चुंगी पर तुषार हॉस्पिटल है उसके CCTV कैमरे में देखा है, जो कि पटेल चौक की तरफ गया है, उसके बाद अभी इधर वीडियो देख रहे हैं, आगे कुछ पता चलता है तो उसके बारे में पुलिस को जानकारी रानिया थाने में कल ही लिखवाई गई है शाम को, और वो भी कह रहे हैं, बार बार फ़ोन कर रहे हैं, इधर उधर देखभाल जारी है, सारे मिलकर कोशिश कर रहे हैं। आपसे भी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और इसको, बच्चे को ढूंढने की मदद करें हमारी, जो कि कल से उसके माँ बाप बहुत परेशान हो चुके हैं। कोई रंजिश वगैरह नहीं है? जो आदमी स्कूटी पे बैठा था उसका पता चला कि वो कौन था, उसकी स्कूटी के पीछे कौन बैठा वो था? जब ऑटो से चला तो वो अकेला था, जब नानकपुर के CCTV कैमरे में देखा है तो वहाँ से वो स्कूटी पर सवार था उसके पीछे वो व्यक्ति, और जब चुंगी के उसमें देखा गया है तो चुंगी के पे वो अकेला ही था, चुंगी से जो कि अब चौकी वाली गली में तरफ आया है, झंडी वाली गली है जो इसकी तरफ आया है, अब पटेल चौक